हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परी की शादी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं परी की शादी की कहानी। एक बार की बात है, पृथ्वी लोक से बहुत दूर परी लोक की दुनिया में टीना नाम की एक परी रहती थी। वो अक्सर पृथ्वी लोक पर घूमने आया करती थी। उसे पृथ्वी लोक की दुनिया बहुत पसंद थी। मुझे पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत पसंद है। यहाँ की ये ताज़ा हवा, हरियाली और यहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे यहाँ आकर बहुत राहत मिलती है। टीना परी रोज शाम को कुछ समय के लिए पृथ्वी लोक पर आया करती और बहुत खुश होती और अपने समय पर परी लोक को लौट जाया करती थी। एक बार टीना परी पृथ्वी लोक पर घूमने आई थी। वो जंगलों में घूम रही थी। वहाँ से दो चोर भी जा रहे थे। तभी उन चोरों की नजर उस परी पर पड़ती है और उन्होंने उस परी को देख लिया। उसे देखकर दोनों ने एक प्लान बनाया कि अरे वाह, वो देखो, ये तो एक परी है। क्यों ना हम इसे पकड़कर शहर में बेच आएं, जिससे हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। और वैसे भी मैं ये छोटी मोटी चोरियां करते करते थक गया हूँ। इस परी को बेचकर तो हम अमीर हो जाएंगे। हाँ भाई, आप ठीक कहते हो। उन्होंने ये सोचकर एक जाल खरीदा और अगले ही दिन जंगल में उस टीना परी का इंतजार करने लगे। लेकिन तभी उनकी नजर एक लड़के पर पड़ी। वो भी वहाँ घूमने आया था। फिर दोनों चोरों ने उस लड़के से कहा, तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि ये हमारा इलाका है। ये सुनकर उस लड़के ने कहा, ये जंगल काफी दूर तक फैला हुआ है और ये बहुत बड़ा जंगल है। तो अगर ये आपका इलाका है तो कोई बात नहीं, मैं आगे जाकर घूम लेता हूँ। उस लड़के की बात सुनकर दोनों चोरों को बहुत गुस्सा आया और फिर उन्होंने उस लड़के से कहा, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, वरना हम तुझे खूब मारेंगे। वो लड़का उन दोनों चोरों के इरादों से अनजान था। उसे उन दोनों चोरों की बातें सुनकर बहुत हैरानी हुई, इसलिए वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के पीछे छुपकर उन्हें देखने लगा। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ परी आई। परी को देखकर वो लड़का हैरान हो गया और पहली ही नजर में उसे उस परी से प्यार हो गया, क्योंकि वो परी बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन तभी उन दोनों चोरों ने उस परी के ऊपर जाल फेंक दिया और परी जोर जोर से रोने लगी। ये सब देखकर वो लड़का वहाँ आ गया। तभी एक चोर ने अपने दूसरे साथी से कहा, तुम उस परी को देखो और मैं इस लड़के को ठिकाने लगाता हूँ। उस लड़के के पास एक बड़ा सा डंडा था, जिससे उसने उस चोर की खूब पिटाई की। अपने साथी को पिटता देख दूसरा चोर भी मदद के लिए आ गया। तभी मौका देखकर टीना परी जाल से छूट गई और अपनी जादुई शक्ति से उन चोरों को उन्हीं के जाल में कैद कर दिया। परी ने उस लड़के का शुक्रिया अदा किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे पृथ्वी लोक घूमना बहुत पसंद है, इसलिए मैं रोज शाम को पृथ्वी लोक घूमने आया करती हूँ। अच्छा, इसका मतलब है मैं आपसे रोज मिल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इस तरह वो लड़का रोज परी से मिलने आने लगा और परी भी रोज उससे मिलने लगी। धीरे धीरे उनकी नजदीकियाँ बढ़ने लगी और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। उसके बाद वो दोनों शादी करके खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। एक बार की बात है, किसी गांव में सरिता नाम की एक गरीब लड़की अपनी माँ सुरपंका के साथ रहती थी। सरिता के पिताजी शहर में नौकरी करते थे। वो हर महीने
अपनी तनख्वाह गांव भेज देते थे, लेकिन सुरपंखा सारे पैसे अपने पास रख लेती थी। वो इतनी जालिम और बेरहम थी कि हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचती थी। सुरपंखा रोज घी में लगी हुई रोटियां मसालेदार स्वादिष्ट सब्जियों के साथ खाती थी और दूसरी तरफ सरिता को सिर्फ सूखी रोटी और नमक खाने के लिए दिया करती थी। फिर एक दिन सरिता की कुछ सहेलियां उसके घर पर आती हैं। सरिता, आज तेरा जन्मदिन है ना? इसलिए हम सभी लड़कियां तेरे घर पर तेरा जन्मदिन मनाने आई हैं। देखो, तुम सब अच्छी तरह जानती हो कि मैं बहुत गरीब हूँ। अपना जन्मदिन मनाने के लिए मेरे पास केक खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। माफ करना, मैं अपने घर पर तुम्हें कुछ भी खिला पिला नहीं सकती। अरे सरिता, तू क्यों उदास हो रही है? हम तेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हम सभी लड़कियां तुम्हारे लिए बड़ा सा केक लेकर आई हैं। इतना कहकर वो लड़की सरिता को केक दे देती है। इससे पहले कि तेरी सौतेली माँ यहाँ आ जाए, हम सबको यहाँ से चलना चाहिए, वरना बिना वजह बात का बतंगड़ बना देगी। इस तरह सभी लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही सुरपंखा वहाँ आ जाती है। सरिता के हाथ में केक देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो सरिता से केक छीनकर खाने लगती है। अरे माँ, ये तुम क्या कर रही हो? ये केक तो मेरी सहेलियों ने मेरे जन्मदिन पर मुझे दिया है। अरे चुप कर, बड़ी आई केक खाने वाली। जाकर आईने में अपनी शक्ल देख, तेरे नसीब में सिर्फ सूखी रोटी ही लिखी है। चल अब हट यहाँ से, मुझे केक खाने दे। इस तरह देखते ही देखते सुरपंखा सारा केक खाकर खत्म कर देती है और बेचारी सरिता अपनी किस्मत को कोसते हुए कमरे में जाकर रोने लगती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, माँ मुझे कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे चाहिए। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। चल जा यहाँ से। तुम क्या कह रही हो माँ? पिताजी ने अभी 2 दिन पहले ही पैसे भेजे थे। अरे उन पैसों से तो मैंने अपने लिए साड़ियाँ खरीदी हैं। और वैसे भी तू कॉलेज जाकर कौन सा तीर मारने वाली है? मैंने एक फैसला किया है कि अब से तेरी पढ़ाई के पीछे मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगी। चल जा यहाँ से। सरिता उदास होकर वहाँ से चली जाती है। मेरी सौतेली माँ तो सच में डायन है, लेकिन अगर मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी तो मैं जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाऊंगी। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। फिर अगले ही दिन से सरिता अमीर घर में नौकरानी का काम करने लगती है। बेचारी उस घर में सारा दिन झाड़ू पोछा करती थी और शाम को सारे झूठे बर्तन धोकर अपने घर लौट जाती थी। उसके बाद वो अपने घर के सारे काम करती थी। इस तरह सरिता बहुत ही कठिन मेहनत करके अपनी जिंदगी जी रही थी। फिर देखते ही देखते 1 महीना पूरा हो जाता है और सरिता की मालकिन उसे तनख्वाह देते हुए कहती है, बेटी मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ तुम पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हो, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब से तुम्हारी कॉलेज की फीस और तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। इतना कहकर वो औरत सरिता को 20,000 रुपए देती है। इस बात से सरिता बहुत खुश होती है और फीस भरने कॉलेज की ओर निकल जाती है। लेकिन तभी रास्ते में उसे
सुरपंखा मिल जाती है। क्यों रे सरिता, आज तुझे तनख्वाह मिली है ना? चल सारे पैसे मुझे दे दे। इतना कहकर सुरपंखा सरिता से सारे पैसे छीन कर जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक सड़क पार करते हुए एक बड़ी सी बस उसे टक्कर मार देती है और सुरपंखा दूर जाकर गिरती है। हाय मैं मर गई रे, कोई बचाओ मुझे। उस एक्सीडेंट में सुरपंखा के दोनों हाथ और पैर टूट जाते हैं और वो हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ लेती है। इस तरह सुरपंखा को उसके बुरे कामों का फल मिल जाता है। उस दिन के बाद से उस घर में सुरपंखा का अत्याचार पूरी तरह खत्म हो जाता है और दोबारा वो सरिता को परेशान करने की हिम्मत नहीं करती। दूसरी तरफ सरिता मन लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगती है और कुछ ही महीनों के बाद उसे एक बड़े बैंक में अच्छी नौकरी मिल जाती है। इस तरह सरिता मेहनत और लगन से अपनी तकदीर बदल कर खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों, अत्याचारी सौतेली माँ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में चाहे जितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और सारी मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वालों को एक ना एक दिन कामयाबी मिलकर ही रहती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल जियो छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी।